सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आया है। इसके लिए भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुका है। तो कौन कौन से पोस्ट हैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव का असर जो है देखने को मिल रहा है। अगले साल जो है 2023 में जो है एक चुनाव होगा और इसी कड़ी में जो है जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने लगभग 20,000 पदों पर जो है भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो छत्तीसगढ़ में भी अगले साल चुनाव इसी को मद्देनज़र देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी होगी 22,000 पदों पर जो है भर्ती। तो एक के बाद एक जो है 2023 में जो है चुनाव होने वाला है, उससे पहले जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जितना आप लोगों ने सोचा नहीं है उससे कहीं अधिक पोस्ट आप लोगों को इस वक्त देखने को मिल रहा है। और समय समय पर जो है नई नई जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन भी जारी हो रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो केंद्र में निकला है 20,000 पोस्ट वो क्या है, उसके बाद मैं सीजी के बारे में बताता हूँ। तो वो है आपका एसएससी सीजीएल का, और उसके लिए आवेदन करना भी शुरू हो गया है। 17 सितंबर से जो है आवेदन करने स्टार्ट हो गया है, जो आपका 8 अक्टूबर तक जो है आपका आवेदन चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल में आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसकी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 20 वर्ष है और मैक्सिमम 27 वर्ष है। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो एससी और एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं यदि हम फीस की बात करें तो इसमें आवेदन करने के लिए आपका जो है आवेदन शुल्क है सिर्फ 100 रुपये। तो छत्तीसगढ़ में भी जो है 22,000 पदों पर जो है भर्ती होना है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ रहा है। जैसे कि सहकारिता विभाग में जो है समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के 3,000 पोस्ट, और पुलिस के 975 पोस्ट है। टीचर्स भर्ती की बात करें तो शुरू में 10,000 पोस्ट निकला था, ये बढ़कर आपका जो है ये बता रहा हूँ आपके अपकमिंग वैकेंसीज, और ये अभी रिसेंट में ही निकला है। टीचर्स के शिक्षक के जो है 12,489 पोस्ट हैं। खाद्य विभाग में जो है 58 पदों पर जो है भर्ती होना है। राज्य लोक सेवा आयोग जो परीक्षा होना है उसमें जो है 200 पोस्ट हैं। वही महिला होमगार्ड की बात करें तो महिला होमगार्ड के लिए जो है 1900 पोस्ट हैं, और CF&DF के बात करें तो 3,000 से भी ज़्यादा पदों पर जो है भर्तियां होनी है। वहीं पशुपालन विभाग में जो है 150 पदों पर जो है भर्ती, कृषि विभाग में जो है 250 पोस्ट से, वहीं सिविल जज के जो है 48 पदों पर भर्ती होना है, और वन विभाग में टोटल जो है 400 पदों पर जो है भर्ती होना है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही जॉब वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चुनाव का फ़ायदा आप लोगों को, जो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को जो है मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी बस आपको अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करके रखना है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है अच्छे से हो पाए। और आपको जो है बताना चाहता हूँ, टोटल अभी 11 न्यू वैकेंसी हैं और अपकमिंग वैकेंसी हैं वो आप लोगों के लिए जो है आने वाला है। तो आप लोग सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। आप लोगों के लिए हर महीने 15 दिन में न्यू नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। तो जो भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं आप इसमें आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही नई नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए पेश हो रहा है। तो बस शर्तें आप लोगों को एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप लोग सही अच्छे से बुक से जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, स्टैंडर्ड बुक से तैयारी कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सीजी व्यापम में चाहे सीजीपीएससी में, तो यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के जानकारी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, जलवायु, उद्योग, शिक्षा, वन, इन सभी चीज़ों के बारे में यदि आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो छत्तीसगढ़ के लिए आपको जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको जो है सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो आप ले सकते हैं। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपके CGPSC हो चाहे CGVAPM, इसके लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का जो है ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश लेना है, जिसमें पूरा MCQ क्वेश्चन रहता है। लगभग 5,000 MCQ क्वेश्चन जो है आपके उस बुक में ऑब्जेक्टिव में प्रतियोगिता सारांश में दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, और उसमें आपको हर एक चीज़ों के बारे में जो है अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन करके दिया जाता है, ताकि आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा, यदि आप ऑब्जेक्टिव के लिए टूटेजर ट्यूटोरियल्स का प्रतियोगिता सारांश लेते हैं। तो टूटेजर ट्यूटोरियल्स को सर का बहुत ही अच्छे से जानकारी उसमें दिया रहता है।
इसके साथ हिंदी के बात करें तो हिंदी के व्याकरण भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि हिंदी है तो हिंदी का क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हिंदी को उतना अच्छे से नहीं देखेंगे, प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी की तैयारी भी आपको अच्छे से करना है। तो हिंदी के व्याकरण में आपका आता है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित, गद्यांश, ये सभी आता है। और ख़ास तौर पर जो है संधि विक्षेप हो गए और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास में तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव भाव समास, कर्मधारय समास, समास हो गया और मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि आप हिंदी के व्याकरण अच्छे से नहीं जानते हो, तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है डेली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है हिंदी के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेज़ी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंग्लिश की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की आपको बुक लेना है, जिससे आपकी ग्रामर की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो ग्रामर में आपका पूरा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन, टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में दिया जाता है। तो ग्रामर्स के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक से जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हाई लेवल पर जो है हो जाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गणित के लिए, क्योंकि गणित भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स में आपका जिसमें अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ज्यामिति, लघु गणक, ये सभी आता है। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपकी गणित मैथ्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हाई लेवल पर हो जाएगा। तो आप डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन करके दिया जाता है। इसके साथ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका कम्प्लीटली दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करें तो इसके लिए आपको जो है एम लक्ष्मीकांत की भारत के राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो इन सभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाए। तो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का फायदा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। 22,000 पदों पर जो है आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला है। तो तैयारी अपना बेस्ट और अच्छे से कीजिए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि हम सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर कर सकूँ। तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू आप सभी।